हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायर हब। लेट्स स्टार्ट द यूज़ वे टू लर्न। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन ईदर एंड नीदर। तो चलिए जानते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम ईदर का। ईदर लगता है वन ऑफ द टू और बोथ। कहने का मतलब ये है कि कहीं जहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा होगा, जहाँ दो में से किसी एक चीज़ की बात कर रहा होगा, तो वहाँ पर आपका लगेगा इधर। तो मैंने एग्जांपल्स भी कुछ इस तरह की ली है ताकि आपको पता चल जाए दोनों साइड या एक साइड। तो चलिए पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, यू कैन हैव इधर बुक। कह रहा दोनों में से किन्हीं एक बुक का आपके पास होना अनिवार्य है, मीन्स कि होना ही होना है आपके, उस बुक को आपको लेके आना ही आना है। जब वो आपके पास बुक होनी चाहिए दोनों में से कोई एक। तो सेकेंड एग्जाम्पल है दोनों के लिए, ट्रीज कैन हैव ईदर साइड ऑफ द रोड। कह रहा जब दोनों साइड पे ट्रीज होने चाहिए, तो एक साइड पे भी हो या दोनों साइड पे। तो मैक्सिमम ट्रीज रोड के दोनों साइड पे होते हैं, इसलिए जहाँ पे भी हम ईदर ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नीदर का डिफरेंस इन कंट्रास्ट टू ईदर। तो नीदर, नॉट एनी ऑफ द टू। तो नीदर वहाँ पे लगता है जहाँ पे हम दोनों को ना कर रहे हों, तो दोनों का यूज हम बिल्कुल काट रहे हों। तो एग्जांपल लूंगा मैं, नीदर साइड इज विनिंग द मैच। कह रहा कोई भी साइड ने मैच को नहीं जीता, मींस ये है कि दो टीमें थी, दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीत पाई, तो वहां पर हम लगाएंगे नीदर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किन्हीं दो चीजों की बात करेंगे और दोनों की दोनों चीजें कोई भी एक रिजल्ट नहीं ला पा रही होंगी, तो उनके लिए लगाएंगे हम नीदर। तो सेकंड एग्जांपल है, मैंने एक सिंगल केस के लिए, जस्ट एज यू वुड नॉट करेक्ट इट, नीदर वुड आई। कह रहा अगर तुम ये ठीक नहीं कर पाए तो मैं भी ये ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो यही है डिफरेंस बिटवीन ईदर एंड नीदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको जो है शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।